दोस्तों, महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन दरअसल कर्ण ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। कैसे, तो आइए जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। नंबर वन, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। नंबर टू, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी, फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर थ्री, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। नंबर फोर, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। नंबर फाइव, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। नंबर सिक्स, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा भेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। नंबर सेवन, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके चारों पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर एट, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। नंबर नाइन, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा ना करना यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। नंबर टेन, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो तो कर्ण ने कहा, हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूं। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। दोस्तों, आपका कर्ण के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।